हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट जो कि आपके लैब में इजीली अवेलेबल हो जाता है नेस्लर रिएजेंट्स के नाम से, और दिस इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम साल्ट। कैसे हम इसका इस्तेमाल करके अमोनियम आयन की डिटेक्शन करते हैं, जैसे हम ग्रुप जीरो बोलते हैं, वो सारा हम एक्सपेरिमेंटली अभी थोड़ी देर में परफॉर्म करके देखेंगे। मगर इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे माइंड में जो क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट की, व्हाट इज द नेस्लर रिएजेंट, कि नेस्लर रिएजेंट होता क्या स्टूडेंट। तो नेस्लर रिएजेंट कैसे बनता है पहले वो सीख लेते हैं। अगर किसी के पास लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं है, मगर हमारे पास साल्ट अवेलेबल है, कंपाउंड अवेलेबल है, तो आप इसको लैब में खुद भी बना सकते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, हम 23 ग्राम मर्करी आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें मिक्स करते हैं 16 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड, और इन दोनों को हम डाइल्यूट करते हैं 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। यानी आप 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में इस पूरे को क्या करते हैं, डिजोल्व कर देंगे, और डिजोल्व करने के बाद हम इसमें 150 ml 4 मोलर KOH या फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक फंडा क्या है कि दिस इज द अल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ मर्करी आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, तो आप यहाँ पे KOH भी इस्तेमाल कर सकते हो, NaOH का भी। और जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट, उसको हम क्या करेंगे 24 आवर के लिए स्टैंड अप कर देंगे। ये नहीं है कि एकदम ही बन जाएगा, उसको रखना पड़ेगा 24 आवर। और जो हमें रिएजेंट मिलेगा उसे हम बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह तो हम नेस्लर रिएजेंट की प्रेपरेशन करते हैं। अब बात आती है इसके पीछे की केमिस्ट्री, कि सर बनता कैसे है। तो बनाने की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो क्या करते हैं हम, मर्करी आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH जब हम ट्रीट करते हैं तो हमें K2HgIO4 हमें क्या मिलता है, रिएजेंट मिलता है, जो कि हमारे नेस्लर रिएजेंट का क्या है, फार्मूला है। इसका अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो स्टूडेंट इसका नाम क्या होगा, पोटाशियम। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने कर रखा है 4 आयोडीन है, टेट्रा आइडो, और इवन आप आयडाइडो वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्करी मर्क्यूरेट क्यों आ जाएगा, क्योंकि अब ये क्या है, एनायनिक पार्ट में लाइक कर रहा है। कैटायनिक होता तो सिंपली मर्करी लिखते हैं, मगर एनायनिक में हम क्या लिखते हैं, मर्क्यूरेट। तो हमें मिल गया पोटाशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट सेकंड। और जब हम इस पोटाशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट सेकंड, जिसे हम नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं, इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं बेसिक मीडियम, जैसे मैं यहाँ पे KOH ले रहा हूँ, आप NaOH भी ले सकते हैं। तो जब हम इसको ट्रीट करते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलता है, आयोडाइड ऑफ माइनस बेस, जिसे हम बोलते हैं बेसिक मर्करी सेकंड एमाइडो आयोडाइड। तो क्या फार्मूला होता है इसका स्टूडेंट, HgO HgNH2I। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है इसका, इसे हम बोलते हैं बेसिक मर्करी सेकंड एमाइडो आयोडीन, और इवन हम बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। कई बार हमारे मार्क्स में क्वेश्चन आया था आयोडाइड ऑफ मिलन बेस क्या है। जब हम नेस्लर रिएजेंट को अमोनिया और बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो हमें जो सब्सटेंस मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। और प्लस क्या मिल जाएगा, 7 KI और प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। तो ये हमारी क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो हमने पहले बेसिक केमिस्ट्री समझ ली कि नेस्लर रिएजेंट क्या करता है। अच्छा, हम ग्रुप, अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप जीरो की, कि ग्रुप जीरो में कौन सा कैटायन आता है। तो स्टूडेंट ग्रुप जीरो में अमोनियम आयन आता है। अब अमोनियम आयन की डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, नेस्लर रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा टेस्ट क्या है हमारे पास, NaOH टेस्ट। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे अमोनियम सल्फेट अवेलेबल है, अभी हम इसका टेस्ट भी करेंगे। तो अमोनियम सल्फेट में जब आप NaOH का सॉल्यूशन ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट। एक तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस जो बाहर निकलेगी, प्लस 2H2O, ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बाहर हो जाएगा। तो ये एक रिएक्शन होती है। तो जो इसमें अमोनिया गैस इन्वॉल्व होती है, अभी हम तरकीब देखेंगे, उस अमोनिया के पास अगर आपने क्या किया, ग्लास रोड को जैसे HCl में डिप करेंगे और उसके पास ले जाएंगे, तो यहाँ पे व्हाइट कलर के फ्यूम्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो जो व्हाइट कलर के फ्यूम्स निकलेंगे स्टूडेंट, वो किसके होंगे, अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट डेंस फ्यूम।
ठीक है। तो ये पहले तो हमने इसकी केमिस्ट्री की बात कर ली कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं कि ये सारी रिएक्शनें क्या एक्चुअल में होती हैं और किस टाइप के हमें दिखाई देती हैं, वो सारी बात हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और उसमें फिर हम अपना एक साल्ट, जैसे मेरे पास यहाँ पे अमोनियम साल्ट है, कोई भी आप एक साल्ट ले सकते हैं स्टूडेंट अमोनियम आयन का, जिसकी भी आपको ग्रुप डिटेक्शन करनी है, और उसमें हम क्या करेंगे थोड़ा सा अपना साल्ट ऐड कर लेते हैं, और उस साल्ट के अंदर हम उसे क्या कहेंगे, अभी आपने देखा था कि हमने NaOH का, सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे NaOH टेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट NaOH लेंगे, मैंने ये NaOH का सॉल्यूशन पहले ही इसमें डिजोल करके रखा हुआ है। इस NaOH को सॉल्यूशन को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, हम अपना साल्ट जो आपने अमोनियम आयन का लिया है उसमें हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो आपने देखा सिंपली अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसके अंदर डाला है, इसके बाद हम इसे क्या कर लेंगे शेक करके डिजोल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले आप इसका क्लियर सॉल्यूशन बना लें, अगर डिजोल्व हो जाता है इजीली बड़ी अच्छी बात है, मगर आजकल टेम्परेचर क्योंकि लो है तो हम इसको हीटिंग करेंगे, और वैसे भी हमें इसमें क्या करना है हीट करना है। जब हम अभी इसे हीट करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से अमोनिया गैस की इवोल्यूशन होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ अमोनिया गैस डिटेक्ट हो रही है, एक तो तरीका यह है कि जब मैं इसकी इस तरह स्मेलिंग करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा अमोनिकल स्मेल है, पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है ना, अमोनिकल सॉल्यूशन, तो हमें पता चल जाएगा कि गैस निकल रही। दूसरा क्या है कि जब हम इसके पास से, यहाँ पे आप देख रहे हैं HCl है, HCl में मैं ग्लास ओवर डिप करूंगा और इसके पास अगर लेके आऊंगा तो इसमें क्या होगा व्हाइट फ्यूम्स, डेंस फ्यूम्स निकलेंगे, दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं स्टूडेंट, इस तरह जैसे आप मेरे हाथ को देख रहे होंगे, हल्का सा इस तरह करके स्मेल करते हैं कि अमोनिया गैस बनी कि नहीं बनी। क्रैकिंग साउंड शायद आपको सुनाई दे रही होगी थोड़ी थोड़ी, जो इसे हीट करते हैं हल्का सा क्रैकिंग साउंड भी ये शो कर रहा है। अभी नहीं बनी स्टूडेंट, तो थोड़ा सा हीट करेंगे तभी गैस प्रोड्यूस होगी, अब गैस बननी शुरू हो चुकी है। तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे गैस बन चुकी है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा गैस बनी कि नहीं बनी, हम इसमें क्या करेंगे HCl की गैस को पास करके देखेंगे, तो ये काफी देख रहे होंगे आप डेंस फ्यूम्स बनने शुरू हो गए, ठीक है। अब आपने ये सर ये तो HCl की गैस में से निकल रहे हैं, तो और देख लेते हैं हीटिंग करते ही। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट की ग्लास रोड के ऊपर डेंस फ्यूम्स बन रहे हैं, क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा पास ले आता हूँ कैमरा ताकि आपको क्लियरिटी हो। तो ये देखिए जो ये व्हाइट कलर के फ्यूम्स बन रहे हैं इसके ऊपर, दैट इज ड्यू टू अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर NH4Cl बन भी गया है, इवन आपको व्हाइट कलर की अगर दिखाई दे रहे हो तो, है ना, ये अमोनियम क्लोराइड का बन गया है यहाँ पे, तो व्हाइट कलर के जो फ्यूम्स बन रहे हैं अमोनियम क्लोराइड की वजह से बन रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हम इसका करेंगे नेस्लर रिएजेंट टेस्ट। तो नेस्लर रिएजेंट टेस्ट क्योंकि अमोनिया सो गैस के लिए होता है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको थोड़ा सा ओवर हीट कर लेते हैं कि जो यहाँ से अमोनिया गैस जो प्रोड्यूस होगी उसमें जब हम नेस्लर रिएजेंट डालते हैं स्टूडेंट तो ब्राउन कलरेशन हो जाती है सोल्यूशन की, और इवन ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट भी बनते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसके अंदर क्या करें नेस्लर रिएजेंट को मैं क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ। तो आपने देखा इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्राउन कलर के जो इसमें गैस निकल रही है उसकी वजह से इसका सॉल्यूशन का कलर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इवन हम जब ड्रॉप डाल रहे हैं ना वो भी क्या हो रहा है ब्राउन कलर का हो जा रहा है, क्यों, उसके साथ अमोनिया गैस की क्या हो जा रही है इवोल्यूशन, ठीक है। और ये जैसे जैसे इसके अंदर जा रहे हैं ये ब्राउन कलर क्या बन जाएंगे प्रेसिपिटेट बैठते जानते हैं। मैं आपको इस सॉल्यूशन को एक अलग से टेस्ट ट्यूब में दिखाता हूँ। अब आप ये स्टूडेंट ध्यान से देखें कि इस कलर इसका जो नेस्लर, आप कईयों को लग रहा होगा कि सर जो डाल रहे हैं उसका कलर वो है नेस्लर रिएजेंट, आप ये ध्यान से देख सकते हैं क्लियर सॉल्यूशन होता है, मगर उसके वेपर्स की वजह से इसके ऊपर क्या हो गया ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट गैस की वजह से बनते हैं। तो जब हम इसको इसके अंदर डालते हैं स्टूडेंट जैसे कि आप एक क्लियर देख सकते हैं, तो जो इसमें से गैस निकलती है उसके साथ रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना क्लियर कट सॉल्यूशन बन रहा है, और जो ये सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पे देखिए इस टेस्ट ट्यूब में ब्राउन हो गया क्योंकि जो गैस यहाँ से निकली है उसने नेस्लर रिएजेंट को क्या कर दिया ब्राउन कर दिया। तो जो हमें उसके ऊपर दिखाई दे रहा था वो एक्चुअल में क्या है ब्राउन
जो इसमें से गैस निकल रही है, हमें गैस तो दिखाई दे नहीं रही, जब वो उसके टच में आती है तो तुरंत क्या हो जाता है, ब्राउन कलरेशन प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्लियर कट टेस्ट है ये अमोनिया, अमोनिया के लिए NH3 और अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट में एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो अमोनियम साल्ट है स्टूडेंट, उसमें से अमोनिया गैस, मैंने अभी आपको इसकी केमिस्ट्री समझाई है, जो प्रोड्यूस होती है वो नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले केमिस्ट्री समझाई थी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बन गया, इसके प्रेसिपिटेट हो गए और ये नीचे क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। जो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, जो न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी टाइप के प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।